हे फ्रेंड्स, आप सभी को टीएमएस के और एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के एक नया रोमांस और लव स्टोरी मूवी के बारे में, जो 2023 में मतलब इसी साल में रिलीज़ होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, और मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, इसलिए थोड़ा प्रेशर में था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज से रेगुलर वीडियो आएगा इस चैनल पे। तो आप लोगों को अगर लेटेस्ट मूवी और वेब सीरीज के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही आपके मन में ख्याल आएगा कि मूवी का नाम क्या है। तो ये मूवी का नाम है तू झूठी मैं मक्कर। भाई, इस मूवी का नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि मूवी में ऐसा क्या होने वाला है, किस तरह का नाम रखा है। मेरे हिसाब से मूवी में तो बहुत कुछ होने वाला है। इस मूवी का ट्रेलर भी आउट हो गया है, जैसे कि आप लोग यूट्यूब में जाके देख सकते हो सर्च करके, और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। पर मैंने जब इस मूवी का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि ये मूवी बहुत बड़ा मूवी होने वाला है, क्योंकि इस मूवी में जो लव स्टोरी, उसके बाद रिवेंज और कॉमेडी इस मूवी में इनपुट किया गया है, वो हमारे रियल लाइफ के साथ मैच करता है, जो ऑडियंस को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक मेन बात इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है लुब रंजन, जो पहले बहुत बड़े बड़े फिल्म बॉलीवुड को दे चुके हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा फेमस है सोनू के टीटू के स्वीटी, जो 2018 में आया था। इसको IMDb में रेटिंग मिला था 10 में से 7.1, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेटिंग माना जाता है। और मूवी के बारे में बात करूँ तो प्यार का पंचनामा 1 और 2, ये मूवी 2011 और 2015 में आया था। ये दोनों मूवी को बहुत अच्छा रेटिंग मिला था, और ये दोनों मूवी में कमाई भी बहुत अच्छा करा था बॉक्स ऑफिस में। तो आप लोग ये बात सोच के देखो कि ऐसा डायरेक्टर अगर इस मूवी को डायरेक्ट कर रहा है तो मूवी तो हिट जाने ही वाला है। तो फिर चलो इसके बाद जान लेते हैं कि इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है। तो इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहा है वो है यस राज फिल्म, जो कुछ दिन पहले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पठान मूवी का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। आज आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पठान मूवी अब कितनी ऊंचाई पर खड़ा है, जो वो एक बहुत ही बड़ा फिल्म बन चुका है। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई अब तक की कर चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो चलो इसके बाद बात कर लेते हैं इस मूवी के गाने के बारे में। आप अगर अरिजीत सिंह के फैन हो तो आपने इस मूवी का गाना अभी तक सुन ही चुके होंगे। इस मूवी का जो गाना है तेरे प्यार में, भाई बहुत ही एक अच्छा गाना है। वैसे भी अरिजीत सिंह बहुत ही एक अच्छा सिंगर है, तो गाना तो भाई अच्छा होगा ही। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये गाना आप जरूर से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो इसके बाद और एक गाना इस मूवी का रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है प्यार होता कई बार है। ये गाना भी बहुत अच्छा है। यूट्यूब में ये दोनों गाने का व्यूज़ 60 मिलियन से ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है, आप लोग जरूर से चेकआउट करना जाके। तो इतना देर वीडियो आप देख ही रहे हो तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ये मूवी भाई रिलीज़ कब होने वाला है। तो ये मूवी का रिलीज डेट बताने से पहले, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, और ऐसे मूवी और ओएसडी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रेगुलर इस चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आइए जान लेते हैं ये मूवी का रिलीज डेट के बारे में। तो ये मूवी रिलीज़ होने वाला है 8 मार्च, यानी होली के टाइम में ये मूवी रिलीज़ होने वाला है। तो ज़्यादा देर नहीं है भाई, उसके बाद भी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना का और एक एक्शन मूवी आने वाला है, जिसका नाम है एनिमल, जो 11 अगस्त को रिलीज होने वाला है। तो भाई इस साल रणबीर कपूर का बहुत ज़्यादा मूवी आने वाला है। तो आप में से जो जो रणबीर कपूर के फैन हो उसको तो भाई मज़ा ही आ जाएगा इस साल। तो फिर चलो इसके बाद जान लेते हैं कि मूवी में कौन कौन एक्टर और एक्ट्रेस रहने वाले हैं। तो सबसे पहले ही आ जाते हैं रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर, और उसके बाद आ जाते हैं अजय देवगन, बोनी कपूर, डिम्पल कपाडिया, और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस इस मूवी में रहने वाले हैं। तो मूवी मेरे हिसाब से ब्लॉकबस्टर जाने वाला है। आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट करके बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहना, खुश रहना।